क्वेश्चन नंबर 7, योर क्वेश्चन इज सॉल्व द गिवन इक्वलिटी ग्राफ के लिए, सॉल्व द गिवन इक्वलिटी ग्राफ के लिए। तो गिवन इक्वलिटी इज -3x + 2y गेट एन इक्वल टू -6, दिस इज गिवन इक्वलिटी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन ऑन द पार्टिशन प्लेन। तो टू ड्रॉ लाइन वी नीड टू पॉइंट्स, टू ड्रॉ लाइन वी नीड टू पॉइंट ना। तो राइट x इज इक्वल टू देन y इज इक्वल टू, तो इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x x इज इक्वल टू 0 देन -3 × 0 और +2 × y इज इक्वल टू -6। तो 0 + 2y इज इक्वल टू -6, सो y इज इक्वल टू -6/2, सो y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, अब पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये जगह आपका माइनस, y इज इक्वल टू 0 रखिएगा देन -3x और +2 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू -6/-3, व्हेन यू डिवाइड इक्वलिटी बाय नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इक्वलिटी चेंजेस, ग्रेटर बिकम लेस। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 2 ना, तो व्हेन y 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो दैट्स वी हैव टू फाइंड टू पॉइंट्स ऑन द लाइन, वी हैव टू फाइंड टू पॉइंट ऑन द लाइन। नाउ वी सो दिस टू पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो x o f डैश y o y डैश इज द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो वन पॉइंट इज 0 - 3, वन पॉइंट इज 0 - 3 और सेकेंड पॉइंट इज 2, 0। तो टू सो 0 - 3, तो इन 0 - 3 अब्सिसा 0, इफ अब्सिसा अ पॉइंट इज 0 देन पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट इज नेगेटिव, सो पॉइंट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, दैट इज बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन ऑफ ऑन द वाई एक्सिस। तो मूव 3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस, 1 यूनिट 2 unit, 3 unit, so this you get -3. So this point is 0 - 3. This point is 0 - 3. This point is 0 - 3. Okay. Second part is 2, 0. Into 2, 0, abscissa is 2, ordinate is 0. If ordinate is 0, then point lie on the x-axis. Point lie on the x-axis. So this is point A and point B. 1, 2, move 2 unit. In positive direction, so this become 2, 0, 2, 0, na? Ordinate is 0, ordinate is 0, abscissa is 2, so we move 2 units right of origin along x axis, okay? Then we get 1, 2, 0. So one point is 0, 1, 3. Second point is 2, 0. Or inequality, there is equality also. So we draw line, we draw dark line. हम कैसी line draw करेंगे? हाँ? जैसे equality यहाँ पर है, तो कैसी line draw करेंगे? Dark line. Dark line draw करेंगे ना? कि dark. Dark. Dark line draw करेंगे. चलिए dark line draw करेंगे. अब से गेटर है, तो गेटर है तो पॉइंट हमारा जो है अपर हाफ फेस में लाई करेगा लाइन के या लोअर हाफ फेस में, फर्स्ट गेटर नंबर है, गेटर नंबर किस में लाई करते हैं, अपर हाफ में या लोअर हाफ में, जो गेटर नंबर है इधर होगा या उधर होगा, इधर होगा, किधर होगा गेटर, इधर होगा, हाँ लेफ्ट जो है स्मॉलर नंबर होता है, राइट और ग्रेटर नंबर होता है, इधर जो आपका लेस होगा इधर ग्रेटर होगा, लोअर हाफ में है, किधर है, लोअर हाफ में, तो
साइडिंग हम किधर करेंगे? इंक्लूडिंग लाइन या एक्सक्लूडिंग लाइन? इंक्लूडिंग लाइन। इंक्लूडिंग लाइन आप इधर सेट कर दीजिए, है ना? ये आपका सलूशन है, ठीक है? है ना? ये आपका, ठीक है? चलो आप क्वेश्चन नंबर एट, रेट क्वेश्चन नंबर एट। तो करें कि सॉल्व ग्राफ के लिए, सॉल्व द ग्राफ के लिए ये करें ना, ठीक है? 3x माइनस 5y लेस देन 30, 3x माइनस 5y लेस देन 30। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x y ग्राफ के लिए। तो वी ड्रॉ लाइन ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? तो टू ड्रा लाइन वी नीड टू पॉइंट्स। हमको लाइन ड्रा करने के लिए क्या चाहिए? दो पॉइंट चाहिए ना। तो दो पॉइंट के लिए पॉइंट कर लीजिए। तो एक बार एक्स इज टू जीरो कर देते हैं, वाई वैल्यू निकाल देते हैं, फिर वाई जीरो कर देते हैं और एक्स वैल्यू निकाल देते हैं, है ना? ठीक है। तो चलिए एक्स इज टू जीरो, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई? तो व्हेन एक्स इज टू जीरो, अगर एक्स वैल्यू जीरो रखी है तो थ्री इंटू जीरो क्या हो जाएगा? बताओ, 3 into 0 minus 5y less than 30, है ना? 3 into 0 minus 5y less than 30, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से minus 5y कितना हो जाएगा? minus 5y is equal to 30 हो गया, तो यहाँ से y is equal to हो जाएगा 30 upon minus 5, तो देगा माइनस सिक्स, कितना देगा? माइनस सिक्स ना, ठीक है? अब वाई को जीरो कर दीजिए, वाई जीरो रखिएगा तो क्या देगा? थ्री एक्स माइनस फाइव इंटू जीरो लेस देन 30, तो 3x लेस देन 30, सो एक्स इज लेस देन 10, है ना? तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 10.y0, ठीक? पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को नंबर लाइन में रख दीजिए, सॉरी पार्टीशन को लेकर चला कर। एक पॉइंट आपको कितना है बताओ? एक पॉइंट आपको बन रहा है 0 माइनस 6 और दूसरा 10 0, तो 0 माइनस 6 है 0 ऑक्सिस, तो 0 ऑक्सिस एक पॉइंट है 0 ऑक्सिस, देन पॉइंट लाइन है y एक्सिस, पॉइंट कहां पर लाइन करेगा? y एक्सिस पर लाइन करेगा, है ना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं y एक्सिस पर जैसे नेगेटिव है तो बिलो द ओरिजिन चलेंगे, बिलो द ओरिजिन इलांग y एक्सिस बिलो द ओरिजिन ना, ठीक है? तो देखें 6 यूनिट आप बिलो द ओरिजिन चलिए, तो 1 2 3 4 5 6, एक कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0, -6, 0, -6। अब दूसरा क्या है? दूसरा जो है 10 0 है, 10 0 ना, हम क्या करते हैं 10 यूनिट राइट चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यूनिट हम राइट करेंगे। आर डी जीरो है, सो दिस पॉइंट लाइन आज एक्स एक्सिस, ये पॉइंट किसको लाइक करेगा? एक्स एक्सिस को लाइक करेगा, तो ये आपका पॉइंट हो गया 10 0, है ना? अब दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं, जैसे लेस है तो लेस के केस में डॉट लाइन खींचेंगे या डॉट लाइन? डार्क, डी ए आर की डार्क, डार्क स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या होगा? डी ए आर के डार्क, तो ले सकते डार्क होगा, डार्क 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 डी ए आर के होगा, डी ओ टी होगा, ये डार्क लाइन को डार्क लाइन इक्वलिटी बनता है,
यहाँ इक्वालिटी कहाँ है, यहाँ पे खाली इक्वालिटी है, प्योर इक्वालिटी, तो कौन से लाइन बनेगा? है डॉट बनेगा, तो डॉट बना लीजिए, है ना, डॉट लाइन, ठीक है ना, डॉट लाइन हुआ। अब जो है पॉइंट किधर होंगे बताओ, अपर हाफ रीजन में या लोअर हाफ रीजन में? अपर 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 हाफ रीजन में, क्योंकि इधर के पॉइंट जो है कम होंगे, इधर ज्यादा, इधर जाएगा तो वह भी बढ़ेगा, इधर कम, तो साइड में भी जाते होंगे, एक्सक्लूडिंग हीट लाइन, एक्सक्लूडिंग, तो लाइन को शॉर्ट करते हैं आपके साइड में, कि आपका सॉल्यूशन किसके रीजन हो गया है, या सॉल्यूशन रीजन, राइट।